बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट किया कि सर सही जगह पे दुकान नहीं मिल पा रही है, तो कैसे हम अच्छी दुकान खोलें। और दुकान खोलने के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। देखिए, अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि आप दुकान खोलना तो चाहते हैं, बट आप जिस जगह पे चाहते हैं आपको दुकान नहीं मिल पा रही है, बिजनेस नहीं शुरू कर पा रहे हैं, तो सबसे जरूरी है आप किस तरीके से बिजनेस करें। ऐसा ना हो जल्दबाजी में आप ऐसे जगह दुकान खोल दें, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दें जहां पे आपका बिजनेस ना चले, और 2-4 साल आपको समझने में ही आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। फिर बाद में पता नहीं आप बिजनेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इस सिचुएशन में, तो एक चीज आपको बताएं ना, आपको बहुत ज्यादा किराया देना है, ना आपको बिजली का बिल देना है, ना आपको 8 घंटा बैठना रहेगा, फिर भी आप 12 महीने अच्छी इनकम कर पाएंगे, एकदम आजादी से बिजनेस कर पाएंगे, आजादी से पैसे कमा पाएंगे। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? वो काम है डिस्ट्रीब्यूशनशिप का बिजनेस। अब किसी भी प्रोडक्ट का जो भी मार्केट में बिक रहा हो, जो भी किराना स्टोर, जनरल स्टोर, कॉस्मेटिक स्टोर, इलेक्ट्रिक स्टोर, बहुत सारे स्टोर पे दुकानों पे जो प्रोडक्ट बिकता है, वो प्रोडक्ट दुकानों पे पहुंचता कैसे, कौन लाता है, दुकान वाला। आपने देखा होगा कि दुकानदार तो सुबह से शाम तक दुकान पे बैठा है, तो फिर उसके पास प्रोडक्ट आता कैसे बिकने के लिए? ठीक है भाई, जैसे किराना स्टोर है, जनरल स्टोर है मार्केट में, तो दुकानदार तो बैठा है दुकान पे, सुबह 8 बजे खोल लिया, रात 8 बजे, तो उसके पास प्रोडक्ट आता कैसे? वही आता, वहीं से आता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर पहुंचाता है, जो उस प्रोडक्ट की उस कंपनी का एजेंसी लिया हुआ है, डीलरशिप लिया हुआ है, वो ऑर्डर लेके उसको पहुंचाता है। ये काम सबसे अच्छा है दोस्तों, आप कहीं से भी, अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। दुकान नहीं मिल रही है तो अपने घर से शुरू करो। सिर्फ आपको क्या जरूरत है, डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर रहे हैं, फूड प्रोडक्ट से जुड़े हुए, तो आप फूड लाइसेंस ले लीजिए, और कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदते बेचते हैं तो भाई जीएसटी नंबर, 2 लाइसेंस की जरूरत है, एक गाड़ी। शुरुआत में आप भाड़े पे भी ले कर सकते हैं, जैसे जैसे आपकी इनकम अच्छी हो तो फिर आप अपनी खुद की फाइनेंस करा लें या खुद की ले लें, ठीक है। ये काम आप कर सकते हैं, यानी कि लाइसेंस में 2 चीज, एक गाड़ी होना चाहिए, घर पे अगर आपके जगह है, मतलब 1-2 रूम खाली है, तो घर से शुरू करो, नहीं है तो मार्केट में जरूरी नहीं है, फ्रंट पे महंगा मिलता है, सभी लोग जानते हैं, तो आप कहीं पे भी ले सकते हैं जहाँ पे गाड़ी जा सके आ सके, वहाँ ऐसी जगहों पे आप एक गोडाउन ले लें, गोडाउन सस्ते में मिल जाता है, वहीं पे अपना चेयर लगा लें, वहीं से अपना काम आप शुरू कर देंगे, ठीक है। इतना ही आपको करना है। अब किसी भी कंपनी का आप डीलरशिप कैसे लेंगे? बहुत लोग सोचते हैं भाई कैसे लें डीलरशिप, एकदम नया है, कुछ पता नहीं। देखिए, डीलरशिप लेने के लिए ऑलरेडी भाई मार्केट में जो ब्रांड प्रोडक्ट है, जो अच्छे कंपनी है, कोई ना कोई लिया ही हुआ है, तो आप कैसे लेंगे अपने मार्केट, जो भी मिल जाए। शुरुआत तो आपको मतलब नई कंपनी से ही करनी पड़ेगी, पुरानी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि कोई ना कोई लेके बैठा है। अब पुरानी तब आपको मिलेगी जब आप पुराने हो जाएंगे, उस बिजनेस में कोई छोड़ेगा तो आपको मिल जाएगी, या किसी कोई नहीं कर पाएगा तो आपको मिल जाएगी, तो इस तरीके से होता है। लेकिन शुरुआत करेंगे तब होगी, ऐसा नहीं है कि अब पार्ले का आपको चाहिए और पार्ले का कोई 50 साल से लेकर काम कर रहा है तो आपको कैसे मिलेगा। पहले आप उस लाइन में तो आइए, फिर ब्रांड भी मिलेगा, अनब्रांड से तो शुरुआत आपको करनी ही करनी, फिर ब्रांड भी आपके पास आएगा, ठीक है। अब ले कैसे? देखिए, किसी भी एजेंसी वाले का जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है ना, वो कई कंपनी का काम लिया रहता है, हर मार्केट में ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिल जाएंगे। उस डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जाइए उससे कि भैया कोई भी कंपनी जो आती हो आप लोगों के यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर का, तो हम काम करना चाहते हैं, कोई कंपनी आए तो हमें ये नंबर उनको दे दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर, उनके यहाँ हर रोज कोई ना कोई कंपनी वाला आता है, सर मेरा काम शुरू कर लीजिए मेरा काम, क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम होता है, तो वो बहुत ध्यान नहीं देता है और लोकल कंपनी को और ध्यान नहीं देता है, ठीक है। बट आपको तो शुरुआत करनी है, तो आपको अगर ऐसी जगहों पे जाएंगे, उन एजेंसी वालों से मिलेंगे जो आपके मार्केट में है, आपके मार्केट के आसपास में है, जो किसी भी, जैसे कोई पार्ले का लिया है, कोई ब्रिटानिया का लिया है, कोई प्रिया गोल्ड का लिया है, कोई हिंदुस्तान यूनिलीवर का लिया है। खैर, हिंदुस्तान यूनिलीवर को बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो काम लेता है वो एक ही कंपनी का कर पाता है, क्योंकि उसके पास बहुत बेल है, ठीक है। ये वो लोग समझ पाएंगे जो ऑलरेडी बिजनेस कर। तो किसी भी एजेंसी वाले से आप संपर्क करिए, उसको बताइए भाई कोई अगर नया आए काम, आपको नहीं करना है तो आप मेरे पे ट्रांसफर कर दो, ठीक है। इस तरीके से करके आप मार्केट में काम शुरू कर लीजिए। जैसे ही आप एक काम शुरू करेंगे, फिर उस लाइन में आप हो जाएंगे, फिर आपसे बहुत सारी कंपनियों के एजेंट मिलना शुरू हो जाएंगे। सर अगरबत्ती का है, नमकीन का है, इसका है, उसका है, ये ले लीजिए इतना मार्जिन, फिर आपको धीरे धीरे वो लोग मिलने लगेंगे, जो कंपनी आपको अच्छी लगे कि हाँ ठीक है, इस कंपनी का प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं, मार्केट में डिमांड है। कुछ अपना भी कॉमन सेंस लगाइएगा, कोई भी प्रोडक्ट नहीं उठाना, प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है, कोशिश करना है कि नया है तो मार्केट में अगर 1-2 कर रहे हैं तो मार्केट में पता करिए कि दुकान वाले बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं, क्या ओपिनियन है क्या नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं भी करते हैं प्रोडक्ट बहुत कम, अगर कंपनी वाला कह रहा है नहीं 50,000-60,000 रुपये की बिलिंग कराना, कहना भैया हम 15,000-20,000 रुपये की बिलिंग कराएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कराएंगे। पहली बार अगर माल बिकेगा तो हम 50 नहीं 60,000 कमाएंगे, ये चालाकी आपको करना है। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आप लेंगे 15,000-20,000 मार्केट में तो बेच ही देंगे, ये तो आप मतलब दिमाग से निकाल दीजिए कि नहीं बिकेगा, 1 महीने में नहीं बिकेगा, 2 महीने में नहीं बिकेगा, 3 महीने में तो बिकना ही बिकना है, ठीक है। उसको अगर इतना मगजमारी में बिकेगा तो उस प्रोडक्ट को आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से करके कुछ प्रोडक्ट आपके, कुछ अच्छी प्रोडक्ट आपके पास हो जाएंगे जो मार्केट में बिकते होंगे, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर का काम आप शुरू कर सकते हैं। ऑर्डर लीजिए, दुकानों पर पहुँचाइए और फ्री हो जाइए। मतलब एक दिन में आप 2-4 घंटा काम करके भी फ्री हो सकते हैं। 1-2 दिन ना भी काम करें तो भी काम चलेगा, क्योंकि ऑर्डर आएगा तो सामान पहुंचाएंगे, बस इतना ही करना है, ठीक है। जैसे जैसे काम आपके पास बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे उस तरीके से बहुत सारा चीज़ आपको समझ में आएगा, कितना फ़ायदा, कितना इन्वेस्टमेंट होता है। देखिए, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर का काम शुरू कर रहे हैं तो ऑन एवरेज समझ लीजिए कि किसी एक, जैसे मान लीजिए अगरबत्ती का आपने ले लिया, तो अगरबत्ती ये डिपेंड करेगा कितना पैसा लगाएंगे, ये डिपेंड करेगा कि वो कौन सी कंपनी है, ठीक है। कोई छोटी मोटी कंपनी है 25-50 हज़ार रुपये में शुरू होगा, ब्रांड कंपनी है 1-1.5 लाख लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। बिस्किट का कोई काम ले रहा है तो भाई बिस्किट कितना ऑलरेडी उस क्षेत्र में, उस सेल, उस कंपनी कितनी बड़ी है, कितना सेल करती है, उसी हिसाब से वो ले, मतलब पैसा आपसे मांगेगी, ठीक है। तो कुल मिला जुला के अगर 4-5 लाख रुपए आपके पास है तो आप 5 से 6 कंपनी 10 कंपनी का भी काम ले सकते हैं। हालांकि एक साथ बहुत लेने की जरूरत नहीं, एक एक करके लीजिएगा, ठीक है। लेकिन 1-1.5 लाख रुपए है तो भी आप शुरू कर सकते हैं 1-2 कंपनी का। तो इतने सस्ते में आप कौन सा ही बिजनेस कर सकते हैं, कि आपको एक गोडाउन लेना है, एक रेंट पे गाड़ी शुरुआत में लीजिए, या अगर आपके पास बजट है तो 1-1.5 लाख रुपए कोई सेकंड हैंड ले लीजिए, एक एजेंसी ले लीजिए 1-1.5 लाख रुपए में और शुरू करिए काम। ऑर्डर लीजिए, दुकानों पे माल पहुंचाइए। कितना फायदा होता है इस बिजनेस में, देखो मिनिमम 6% मैक्सिमम 15% तक का मार्जिन होता है। अलग अलग कंपनी अलग अलग मार्जिन देती है, जैसे कोई अगरबत्ती का है तो 8-10% देगा, कोई बिस्किट का है तो 5-6% देगा, 3% भी दे सकते हैं ब्रांड है अगर तो, ठीक है। मसाला वगैरह है तो 8-10% मिलता है, तो ये मार्जिन आपको मिलता है। यानी कि अगर आप 5-10 लाख रुपए का सेल कर दिए, 5% भी अगर बचाते हैं तो 5,000-10,000-20,000 रुपये महीना आप कमाना शुरू कर सकते हैं। उसी में आपका जो गोडाउन का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, सब कुछ देना, किसी को अगर आप रखे हैं लेबर के तौर पे काम करने के लिए तो उसको जो अभी आप दें, ठीक है। इसमें कंपनी भी आपको बहुत सपोर्ट देती है, क्योंकि कंपनी ऑर्डर निकालती है, आपके साथ काम भी करती है। अगर आप फ्रेशर हैं तो इस तरीके का काम शुरू करेंगे तो बहुत सारा एक्सपीरियंस भी मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं, और इस तरीके की जानकारी, इस तरीके की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे बनी हुई है कि डिस्ट्रीब्यूशनशिप कैसे शुरू करें, एजेंसी कैसे ले, ठीक है। और भी वीडियो है तो उसको समझिए, हर वीडियो में कुछ अलग तरीके से मैंने बताया है, तो उस वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट पे जाइए, डिस्ट्रीब्यूशनशिप बिजनेस को देखिए, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, सीखिए, जानिए। इस पे बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी समझ में आ गई हो तो लाइक जरूर करिएगा, नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।